सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना, वो नाश हो गया। एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढड़ जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से इस सत्संग सच्चे ज्ञान से। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये तीन गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण में माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप विष्णु जी का सहारा लेते हो यू काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, लेकिन वो जीव है उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है किसी का, बेटा हो चाहे बेटी, माम रो चाहे बेटा बाप, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं, आप यहां से बचने के लिए आप जीने कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर, फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग, केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा, वहां तो उसका खूब उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे,
परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़े तो वहां तो डूबोगे मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अबुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी, और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिए और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक देवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की माँ भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो दोया के थे, पिता एक था, तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया, तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर ख़त्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा, अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का, उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, उमरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और खुशी का ठिकाना नहीं, उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खुआया पियाया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुँह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब एक दिन उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में, लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार।
अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ विष दे के मरवाया था, मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की मेरे राइट की संपत्ति थी मेरे भाग की वह पूरी खत्म हो चुकी है, अब तेरी तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई, अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया, पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है तेरी ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया या जिंदी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। तो लड़का कहने लग गया ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है पत्नी है, ये आपके आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरी अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं, और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे खुश होकर, क्यों होगा ऋण हो भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा गटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। आपका आपस का कोई ऋण देण है, आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा, जा भाई मेरा तो ऋण था यो और माफ कर दिया, बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा पोसूंगा इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, घना घना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी, कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे, फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, माफ कर दिया हो गया बड़ी, बस खत्म हुई टेंशन है खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझ जा देगी, और फिर भक्ति करेंगे, ऐसा विधान बनाया जाएगा पुणात्मा और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगी, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहाँ जाएंगे वहाँ कोई चीज़ का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहाँ जाकर परिवार बनेगा आपका, जो आपको यहाँ बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो एज इट इज, वहाँ जाकर परिवार बन जाएगा। अरे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी जमीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ जमीन दे दें, लगा लगा ट्यूबवेल हो,
और सारी सुविधा हो, बड़ा बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहाँ, क्या करोगे आप? छोड़ उस डेढ़ किले ने और चलो वो उठ, दो मिनट में जा बैठोगे, झाँखो भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहाँ जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यातो भगत वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करने गिरना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद कर चल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते क्या कर दे परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है, कि ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे, और फिर काल फंद छूटे नरलोई, काल का दंडत सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का, और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा? कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से, और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं, लोक माने धाम स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 बीतेगा, हम आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है, अरे राधा स्वामी वाले दंदन सतगुरु वाले ये सतलोक सतलोक करे दिन खक्का नहीं पता था, वो सतनाम वो सौर नाम वो सौर शब्द वो सतपुरुष और वो सतनाम वो राधा स्वामी धाम खकता है इनका पता। तो हमने परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया, बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे। जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से, एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्यों के गुरु जी सतलोक चलो ना, चलो चलेंगे। मैंने कहा बेटा विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है।
तो यहाँ कहा कि सभी प्राणी परम परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तुलसी के विषय में एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्त्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सवत समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का, इब हमारे भगत तक खोज जी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे बदर के देख है किता होगा वो, तो हाथी पर फिट होगा वो जिसका है। ये देखिएगा, यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब, ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है, इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है लोगों की सुन सुना के पटपटा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है, इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ यह है, यहां 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के इसी देश संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। ९९ में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित
शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सृजन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है, वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निंद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को, किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहां मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुबर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं, मैं तो पहनूं था कितने। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नास्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे उसके, लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। दो विवाह होंगे, दो पुत्र होंगे, दो पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नास्त्रेदमस जी ने कि उसके दो पुत्र होंगे, दो पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटावट आ भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके दो विवाह होंगे, तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का, दो विवाहों का संस्कार था, होगा था, जो भगवान ये देख रहे हैं तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तय संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को या मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियां खानियां था इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी, ना दो रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, दो बच्चे पढ़ ही रहे थे उस समय, दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करने से वो भगवान ने करी, मेरा संस्कार काट दिया। ना मैं नमूल जा रहा था वक्त, फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को।
और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकला है छोटा सा। एक व्यक्ति के दो विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का, तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, एक दूसरी को नीचे। ठीक है, फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, अर्द्वितीया ने ऊपर, तृतीया ने नीचे, चतुर्थी ने ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के ले गई ऊपर ने जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अकनाथ सत्यम है, वह कह छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तो पुणात्माओं, दो विवाह हो जाते थे मेरे, उड़े गोड्डे फूटे जाते, परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये दो विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें, और जिसके दो ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके दो ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। अभी तक आप जी को बहुत सी भविष्यवाणियां रूबरू कराई हैं, उन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो इस दास के ऊपर खरी उतरती हैं। उनमें से एक है कि उस सायरन सलाइन की माता तीन सिस्टर होंगी, तीन बहनें होंगी। तो दास की माता तीन बहनें थी। अब आपको दिखाते हैं एक किसी वेबसाइट से भक्तों ने निकाला, क्योंकि अब सभी भक्त यही देखने पर लगे हुए हैं कि ये भविष्यवाणियां किसके ऊपर खड़ी उतरती हैं। एक वेबसाइट से ये निकाली है, ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है सर्चिंग सायरन्स लाइन, ये एक वेबसाइट से निकाली है। नास्त्रेदमस, ए फेमस नेम, रिक्वायर्ड नो इंट्रोडक्शन। ही हैड predicated about numerous event of past, present and future. In these prophecies a name arise again and again, Siren's line. There are several claims in past of being Siren's line, but none of them proved to be the real one. अब इसमें आगे क्या लिखा है, ये है सेंचुरी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर
75 में 75 में क्या लिखा है, लॉन्ग अवेटेड ही विल नेवर रिटर्न इन यूरोप, ही विल अपियर इन एशिया. वन ऑफ द लेगू इशूड फ्रॉम द ग्रेट हैमर्स हरमेश एंड ही विल ग्रो ओवर ऑल किंग्स ऑफ ईस्ट. अब इसमें क्या होता है कि ये तो है मूल लैंग्वेज नॉस्ट्राडमस की, और इसके अनुवाद करने वाले अपने हिसाब से इन्होंने किया है, इन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर. इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के समुद्र के ऊपर होगा, हिंद महासागर, उस देश का नाम वो होगा यानी हिंदुस्तान. और फिर ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स. सन 1555 में नास्त्रेदमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा, उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी. इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ, ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था. उसके बाद और भी बहुत सी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा जो अद्वितीय होगा. ये देखिएगा, वर्ल्ड विक्टोरियस संत द प्रोफेसी ऑफ नास्ट्राडमस अबाउट संत रामपाल जी.